अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में खस्ताहाल सड़कों की हालत को लेकर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर हमीरपुर की अनदेखी करने का आरोप लगाया और डीसी हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को सड़कों की हालत सुधारने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में खस्ता हाल सड़कों की हालत को लेकर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर हमीरपुर की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया और डीसी हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को सड़कों की हालत सुधारने के लिए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश कुंभकर्ण नींद में सो रही है, जयराम सरकार को जगाने के लिए डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खस्ता हाल राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत को सुधारने के लिए राज्यपाल के माध्यम से हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। हमने हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है और जो सरकार सो गई है, गहरी निंद्रा में है, कुंभकर्ण की नींद सोई है, उसको जगाने के लिए जिलाधीश के माध्यम से महामहिम गवर्नर साहब को जो है मेमोरेंडम भेजा जा रहा है कि वो पर्सनल तौर पर हस्ताक्षेप करें और हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं, चाहे स्टेट हाईवेज हैं, इनकी सड़कों की जो बदहाली हो गई है, उस सरकार को इसमें जो है दिशा निर्देश दें कि सड़कों की तुरंत मरम्मत की जाए, इनको ठीक किया जाए, ताकि यहाँ जो लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, उसे लोगों को निजात मिल सके। प्रदेश में हो रही इन्वेस्टर मीट पर भी राजेंद्र राणा ने चुटकी लेते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट के लिए भी सभी लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, क्योंकि जमीन पर प्रदेश की हालत खस्ता है। राणा ने कहा कि चुनावों से एक साल पहले नितिन गडकरी ने प्रदेश में आकर 65,000 करोड़ में 69 नेशनल हाईवे की घोषणाएं कर गए थे, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए इस बार की इन्वेस्टर मीट भी सैर सपाटे वाली ही रह जाएगी। जो इन्वेस्टर मीट है, सड़कें इनकी ठीक नहीं हो रही हैं और जो इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ सैर सपाटे वाली इन्वेस्टर्स मीट हो रही है। चार्टर प्लेन से उनको लेके आएंगे, क्योंकि जमीन पे नहीं लेके आएंगे, उनको पता है कि जमीन पे लेके आएंगे तो प्रदेश की पोल खुल जाएगी। और ये इन्वेस्टर मीट वैसी होने वाली है जैसे चुनावों से एक साल पहले नितिन गडकरी जी प्रदेश में आए थे और प्रदेश में आके 65,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर गए थे कि 65,000 करोड़ रुपए के मैंने 69 नेशनल हाईवे जो है वो डिक्लेयर कर दिए, एस्टीमेट बनानी, डीपीआर बनानी, और उन्हें सपनों में ही जो है तो 65,000 करोड़ रुपया जो है उसकी घोषणा कर दी। और ये इन्वेस्टर मीट भी वैसी होने वाली है। कारण मैं बता देता हूं कि आज देश में अर्थव्यवस्था जो है उसका भंटादार हो गया, बेड़ा गर्क हो गया है, हजारों की तादाद में उद्योग बंद हो गए हैं, करोड़ों की तादाद में नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, नई नौकरियां मिल रही हैं, व्यापारी छोटे तबके का जो व्यापारी है उसकी हालत खराब हो गई है, चारों तरफ तराई तराई हो रही है। और ऐसे में अगर इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, वो करें, परंतु इसके रिजल्ट जो आने वाले समय में पार्टी को पता चल जाएगा और सरकार को पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट क्या होते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा सब्सिडी बंद किए जाने पर कहा कि कई गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को भी प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बताना चाहती है कि देश अमीर हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी, गरीबी की हालत बदतर हो रही है। देखिए, सब्सिडी अभी तो 2 रुपए बंद किए इन्होंने, अभी तो बहुत कुछ बंद करेंगे। कई पंचायतों में जो गरीब लोग थे, कांग्रेस पार्टी ने गरीब का जो एजेंडा कांग्रेस पार्टी लेके हमेशा चलती रही है, लोग आईआरडीपी में डाले थे, गरीबी रेखा से जो लोग नीचे रह रहे थे, कई पंचायतों ने साफ कर दी और ये संकेत दिया कि भाई सारे लोग अमीर हो गए। कई विडोज हैं, कोई हैंडीकैप लोग हैं जो आईआरडीपी में थे, वो भी सारे के सारे उन्होंने आईआरडीपी मुक्त कर दिए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान बड़ा अमीर हो रहा है, पैसे की कीमत जो है, रुपए की कीमत बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है और ये सारी चीज़ें इनको ठीक लग रही हैं, परंतु आम जमीन पे सब कुछ ठीक नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कर लो, बेरोजगारी को लेकर बात कर लो, विकास को लेकर बात कर लो, चारों तरफ जो है उतरा ही।
वही एनआईटी हमीरपुर में नौकरियों में हो रही धांधलियों पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का राजेंद्र राणा को सुर्खियों में रहने वाले बयान पर राणा ने जवाब देते हुए कहा कि स्वयं अनुराग ठाकुर जब भी हमीरपुर आते हैं तो केवल सेल्फी लेकर चले जाते हैं। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि एनआईटी में 95 लोग बाहरी राज्यों के रखे जा रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। को लगता है कि सुर्खियों में उठाने रहने के लिए मामला उठाया जा रहा है, तो एनआईटी में जो इस इलाके के लोग हैं जो आउटसोर्सिस पे काम कर रहे हैं और सैकड़ों लोग जो एनआईटी में काम कर रहे हैं, उनसे जाके सर्वे कराओ, उनसे पूछिए। आप भी मीडिया के लोग हैं, जाके सर्वे करिए कि क्या वो लोग इस कार्यप्रणाली से, डॉक्टर की कार्यप्रणाली से खुश हैं या निराश हैं, पता चल जाएगा। परंतु अनुराग ठाकुर जी को ज़मीन पे जो है चलना नहीं है, उनको ज़मीन पे नहीं आना है। वो तो दिल्ली की दुनिया में रहते हैं, जब आते हैं तो एक सेल्फी लेके चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ की लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं उनका। एनआईटी का मुद्दा जो है वो गंभीर मुद्दा है और मैं बार बार इसको उठा रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के हितों की बात है। बाहर के लोग नौकरियाँ रखे जा रहे हैं, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, होता था छुटपुट कोई रखा गया। यहाँ तो 95% लोग जो हैं बाहर के रखे जा रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई है, इसको लड़ेंगे और हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक चुनाव व्यक्ति के नाते। ये यहाँ के नौजवानों की लड़ाई है, यहाँ के बेरोजगारों की लड़ाई है, यहाँ की जनता की लड़ाई है।